हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं सत्यम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑक्सीटोसिन क्लासेस पर। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं आ पाई थी, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, भाई थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी इस वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट आज मैं एक बहुत स्पेशल क्लास लेके आया हूँ अपने दोनों ही एग्ज़ाम के लिए, KGMU और हमारा नॉर्थसेट। उसके लिए दोस्तों ये स्पेशल जनरल नॉलेज की एक क्लास है जिसमें मैंने ऐसे पॉइंट्स छांट छांट के लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पहले हमारे क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हुए हैं और उनकी आने की पॉसिबिलिटीज भी बहुत ज़्यादा है। और एक और चीज़ मैं दोस्तों स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई 3-4 क्वेश्चन इसी वीडियो में से आ जाएं और ऐसा भी हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन ना आए, क्योंकि जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स ये ऐसे टॉपिक है, हमारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। ये जो पॉइंट्स मैंने इकट्ठे करे हैं ये बस इस बेस पे इकट्ठे करे हैं कि भाई पहले जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं में से क्वेश्चंस आए हैं और इन्हीं में से आने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। तो और टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की हम स्पेशल जनरल नॉलेज की क्लास। तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा दोस्तों, मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगा और आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स से, क्योंकि स्पोर्ट्स से नॉर्थ सेट में एक ना एक क्वेश्चन तो 100% आता है। अब मैं बात करंट अफेयर की नहीं कर रहा, अब मैं जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों मैं सबसे पहले आपको क्या बताऊंगा कि भाई कौन से टूर्नामेंट कौन से खेल से संबंध रखते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इन चीज़ों पर। सबसे पहले मैं बात करूँ कौन सा खेल है दोस्तों, बैडमिंटन। बैडमिंटन से रिलेटेड जो हमारे टूर्नामेंट हैं, जो हमारे कप हैं उनकी बात करें तो उनमें आते हैं दोस्तों थॉमस कप, उबर कप या फिर सुधीरमन कप। ये तीनों हमारे रिलेटेड किस चीज़ से हैं, बैडमिंटन से। अगला हमारा है दोस्तों हॉकी। हॉकी से कौन कौन से कप या टूर्नामेंट रिलेट रखते हैं भाई, सबसे पहला है सुल्तान अजलम शाह कप, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, गुरु नानक देव गोल्ड कप और लास्ट है हमारा रंगास्वामी कप। ये चारों हमारे किस से रिलेटेड हैं, हॉकी खेल से रिलेटेड हैं। अगला हमारा दोस्तों जो गेम है वो कौन सा है, टेनिस। ये थोड़े मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, इनके अलावा भी बहुत सारे कप और टूर्नामेंट होते हैं लेकिन ये ऐसे हैं जो थोड़े हाईलाइटेड रहते हैं जिनमें से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगला हमारा दोस्तों कौन सा स्पोर्ट है, टेनिस। टेनिस से हमारा दोस्तों जो काफ़ी रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डेविस कप। डेविस कप पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, स्टार लगा लेना। डेविस कप, बिली जीन किंग कप, एक दूसरे का नाम क्या है, बिली जीन किंग कप। ये दोनों किस खेल से संबंध रखते हैं, टेनिस खेल से। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों फुटबॉल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसमें दोस्तों हमारा आता है सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूरन कप, DURAND, ड्यूरन कप, रोवर्स कप, मैडेका कप, संतोष ट्रॉफी, वित्तल ट्रॉफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संतोष ट्रॉफी पे मैंने कई काफ़ी क्वेश्चन देखे हैं तो उस पर स्टार लगा लेना। एक और बार रिपीट करता हूँ मैं भाई, फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन से हमारे कप हैं, ड्यूरन कप, रोवर्स कप, मैडेका कप, संतोष ट्रॉफी और वित्तल ट्रॉफी। अब अगर मैं बात करूं अगला खेल क्रिकेट, क्रिकेट से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इससे रिलेटेड हमारे टूर्नामेंट या फिर ट्रॉफी जो हैं उनमें सबसे ऊपर है दुलीप ट्रॉफी, जिसकी मैंने लास्ट वीडियो में भी बात करी थी। दुलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, मुश्ताक अली ट्रॉफी और लास्ट में है द एशेज। द एशेज क्या है दोस्तों, ये एक टेस्ट क्रिकेट की सीरीज होती है बस दो देशों के बीच, कौन कौन से, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट खेल की सीरीज चलेगी, जिसको किस नाम से जाना जाता है, द एशेज के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे हमारे किससे रिलेटेड थे, या हमारे क्रिकेट से रिलेटेड थे। जो गोल्फ खेल होता है उससे भी एक कप होता है दोस्तों, राइडर कप, जिसपे एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो राइडर कप किस खेल से संबंध रखता है, गोल्फ। अगला हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन आता है नेहरू ट्रॉफी। ये नेहरू ट्रॉफी क्या है दोस्तों, बोट की रेस होती है। तो बोट रेस अगर आपको ऑप्शन में दिख जाए कि जो ये नेहरू ट्रॉफी है ये कौन से खेल से संबंध रखती है, तो इसमें आपको आंसर क्या लगाना है, बोट रेस, नाव की रेस होती है, उसमें जो चैंपियन होगा, उसमें जो जीतेगा उसको नेहरू ट्रॉफी दी जाती है। ये सारे हमारे पॉइंट्स हो गए किससे रिलेटेड, कि भाई टूर्नामेंट कप ट्रॉफी कौन से खेल से संबंध रखते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज में, पहला क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है भाई, मिनिमम एज टू बिकम प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो है दोस्तों 35। कम से कम 35 साल की एज होनी चाहिए तभी आप प्रेसिडेंट के लिए दावेदार बन सकते हो या प्रेसिडेंट बन सकते हो। अगला पॉइंट क्या है हमारा, ब्लैक सॉइल आल्सो कॉल्ड, इस पे भी क्वेश्चन कई बार आया है, आप लोगों ने अगर क्वेश्चन करे हैं प्रीवियस ईयर के तो आपको जरूर मिला होगा कि जो ब्लैक सॉइल होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है, वो है दोस्तों रेगर सॉइल, REGUR, या ऐसे आ जाएगा कि भाई रेगर सॉइल को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो हो जाएगा हमारा ब्लैक सॉइल। अगला पॉइंट है
जो नेशनल सॉन्ग है हमारा, भाई सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा, वंदे मातरम। अब इसमें दो तीन क्वेश्चन बन जाते हैं कि जो वंदे मातरम सॉन्ग है ये किसने कंपोज किया था और कौन सी लैंग्वेज में करा था। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो कौन सा है, वंदे मातरम। दूसरा है कि भाई किसने कंपोज करा था, तो उसका आंसर जाएगा क्या दोस्तों, बंकिम चंद्र चटर्जी। और कौन सी लैंग्वेज में कंपोज करा था, तो उसका आंसर दोस्तों हिंदी नहीं जाएगा, कभी आप वहां पे हिंदी लगा के आ जाओ, वहां पे आंसर जाएगा संस्कृत। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट को, हमारा नेशनल सॉन्ग कौन सा है, वंदे मातरम। किसने कंपोज किया है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और कौन सी लैंग्वेज में करा है, संस्कृत में करा है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, भाई इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, उसका आंसर है इंदिरा गांधी। अगला सेम इसी की तरह एक क्वेश्चन है कि भाई हमारे देश की पहली सीएम चीफ मिनिस्टर कौन थी, वुमेन, यहाँ पे वुमेन की बात हो रही है, भाई वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। और पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर कौन है, उनका नाम है दोस्तों सुचेता कृपलानी, ये उत्तर प्रदेश की सीएम बनी थी। तो ध्यान रखना, सुचेता कृपलानी सीएम बनी थी, पहली महिला। अगला हमारा पॉइंट है भाई, लार्जेस्ट स्टेट, अगर एरिया वाइज देखा जाए तो सबसे बड़ा जो हमारा राज्य है वो कौन सा है, राजस्थान। और अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट की, तब आंसर क्या जाएगा हमारा, गोवा, ध्यान रखना। अगला पॉइंट हमारा, तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, यहां से पूछा जाएगा डायरेक्ट कि भाई फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, और ऐसे ही थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो इसमें ध्यान रखना हमेशा, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, हम प्रेसिडेंट को। सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को। और थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया हम किसको कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को। ध्यान रखना तीनों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, प्रेसिडेंट, सेकेंड सिटीजन ऑफ इंडिया कौन है, वाइस प्रेसिडेंट, और थर्ड सिटीजन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर को। अगला पॉइंट है हमारा, हु इज द फर्स्ट फीमेल जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाई पहली फीमेल जस्टिस कौन थी इंडिया की, उनका नाम क्या है, फतिमा बीवी। फतिमा बीवी जो है वो फर्स्ट हमारी फीमेल जस्टिस थी इंडिया की। अगला पॉइंट है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ, अर्थ पे जो सबसे लंबी नदी है वो उसका नाम क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों द नील, NILE, इसको नील बोल लो, नाइल बोल लो, कुछ भी इसको हम प्रोनाउंस कर सकते हैं, लेकिन हमारा आंसर क्या रहेगा, द नील। इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों, 6650 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, लॉन्गेस्ट रिवर ऑन अर्थ, हमारे जो अर्थ है, पृथ्वी है, इस पे सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसका नाम क्या है, द नील रिवर या द नाइल रिवर, कुछ भी कह लो, इसकी लेंथ कितनी है, 6650 किलोमीटर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई, जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है उसका नाम क्या है, भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं काफी बच्चे ऐसे क्वेश्चन में ना, अमेजोन रिवर पे टिक करके जाते हैं, बल्कि जो अमेजोन रिवर है वो सेकंड नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे हमेशा द नील ही रहेगी, सेकंड नंबर पे अमेजोन रिवर है जो सबसे लंबी है। अगला हमारा पॉइंट बनता है, स्मॉलेस्ट ओशियन इन वर्ल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, स्मॉलेस्ट ओशियन और लार्जेस्ट ओशियन या फिर डीपेस्ट ओशियन, इन पे कई बार क्वेश्चन आया है। तो पहले मैं क्या बता रहा हूँ, स्मॉलेस्ट ओशियन इन वर्ल्ड, उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा ओशियन है, सबसे बड़े की बात करूं अगर मैं, लार्जेस्ट ओशियन, या इसी को क्या कह सकते हैं हम, डीपेस्ट ओशियन। तो ध्यान रखना, लार्जेस्ट ओशियन पूछे आपसे या फिर डीपेस्ट ओशियन पूछे आपसे, तो आंसर आपका क्या जाएगा, पैसिफिक ओशियन। ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया है पैसिफिक ओशियन। अगला हमारा पॉइंट है भाई, हु कंपोज नेशनल एंथम, ऊपर मैंने अभी किस चीज की बात करी थी, वो था नेशनल सॉन्ग, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, नेशनल एंथम, जन गण मन, ये पूछना चाह रहा है किसने कंपोज किया है, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखना भाई, कभी भी अगर आपसे पूछेगा ना कि भाई नेशनल सॉन्ग किसने कंपोज करा है, तो आपको ऑप्शन में रविंद्रनाथ टैगोर जरूर मिलेगा, भाई बंकिम चंद्र चटर्जी के साथ आपको रविंद्रनाथ टैगोर भी मिलेगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं नेशनल सॉन्ग किसने लिखा, नेशनल एंथम किसने लिखा, तो इसलिए अगर आपसे एक चीज पूछी जाएगी तो आपको ऑप्शंस में ये दोनों के ही नाम मिलेंगे, तो इसलिए इसको क्लियर करके चलना। अगला हमारा पॉइंट है भाई, फुल फॉर्म ऑफ LAN, LAN, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये मैक्सिमम लोगों को पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, जिस पे कई बार क्वेश्चन भी आया हुआ है, बट यहाँ पे बस बात ये रहती है ना, ये कंफ्यूज ऐसे कर देते हैं कि बच्चा जो सही है उसको पहचानने में गलती कर देता है, तो इसीलिए जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं ये कभी मत करना भी क्वेश्चंस में, इनका खास ध्यान रखना। लोकल एरिया नेटवर्क है हमारे LAN, LAN की फुल फॉर्म। ऐसे ही दोस्तों एक बहुत सिंपल है, सभी को उसका आंसर पता होगा,
WWW की फुल फॉर्म क्या है। लेकिन यहाँ पे बात क्या फंसती है भाई, इसमें अगर मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा ना, ये चारों जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे एक बार को। इसके ऑप्शन सुनिए पहले। ए ऑप्शन में क्या मिलेगा, वर्ल्ड वेब वाइड। दूसरे में क्या मिलेगा, वाइड वेब वर्ल्ड। तीसरे में मिलेगा वेब वर्ल्ड वाइड। और चौथे में मिलेगा वर्ल्ड वाइड वेब। अब चारों ही एक जैसे हैं, बस वर्ड्स को इधर उधर कर दिया। तो इसमें इतनी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे, जो सही है और बहुत इजी है उसको भी गलत करके आएंगे। तो इसीलिए मैंने चारों आपको क्वेश्चंस पढ़ के दिखाए हैं, साइड में आपको लिखे हुए भी दिखे होंगे। तो इसमें इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, सब जो सारे वर्ड हैं एक जैसे दिख रहे हैं, बस इनको शफल कर दिया है। तो इसीलिए हमारा दिमाग उस टाइम पर काम करना बंद कर देता है, या फिर ये सोचता है कि भाई सारे ही तो ठीक लग रहे हैं, करेक्ट वाले को पहचानने में गड़बड़ी कर देता है। तो इसलिए ध्यान रखना, WWW की करेक्ट फॉर्म कौन सी है, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा पॉइंट है भाई, हिंदी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है। तो हिंदी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है दोस्तों, 14th ऑफ सितंबर को। अगले अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, इनएक्यूरेसी इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड एज। भाई कंप्यूटर डाटा में अगर इनएक्यूरेसी देखी जाए तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, किस चीज से डिनोट करेंगे? तो उसका आंसर जाएगा दोस्तों बग, BUG। बग हम कब कहेंगे, जब हम कंप्यूटर डाटा में कोई इनएक्यूरेसी पाते हैं तो उस चीज को हम बग बोलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है, लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे भी बहुत ज्यादा बच्चे गलत क्वेश्चन करके आते हैं, इसका आंसर गलत करके आते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा भाई, इंडिया में लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, गंगा। गंगा रिवर जो है वो लॉन्गेस्ट है, उसी पे आपको आंसर टिक लगाना है। अगला पॉइंट है, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन लोकसभा स्पीकर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी इंडिया की, उनका नाम है दोस्तों मीरा कुमारी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। अगला हमारा पॉइंट है भाई, HTML की फुल फॉर्म क्या है। इसमें भी भाई है तो आसान, लेकिन हमें जो ऑप्शंस मिलेंगे ना वो इतने ज़्यादा कंफ्यूजिंग होंगे कि हम करेक्ट वाले को पहचानने में गड़बड़ी कर देंगे। HTML की करेक्ट फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप करेक्ट है, आपको ऑप्शंस में मार्कअप की जगह मेकअप मिल जाएगा, तो जल्दबाजी में आप मेकअप पे ही टिक करके आ जाओगे। तो इसीलिए पहली बात तो भाई चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ लिए फिर आपको उसमें से हटाने हैं कि भाई ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। और करेक्ट अगर आपको पता होगा तभी आप भाई इनको सब्साइड कर सकते हो। आपको हाइपर टेक्स्ट दोनों में मिलेगा, लैंग्वेज दोनों में मिलेगा, लेकिन एम से मार्कअप मिलेगा, एक में मेकअप मिलेगा। तो इसलिए ध्यान रखना HTML के फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला हमारा पॉइंट है, नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड ऑन। भाई नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों 12th of January। 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करा जाता है। नेशनल आर्मी डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, मैक्सिमम भाई सभी बच्चों को ये चीज़ पता भी होनी चाहिए कि जो ये नेशनल हमारा आर्मी डे है ये 15 जनवरी को सेलिब्रेट करा जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 15th of January। अगला हमारा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन क्या आ रहा है, फादर ऑफ टेलीविजन। भाई टेलीविजन का आविष्कार किसने करा था, उनका नाम बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, जॉन लॉगी बार्ड। जॉन लॉगी बार्ड ने टेलीविजन का आविष्कार करा था, इसीलिए उनको फादर ऑफ टेलीविजन कहा जाता है। अगला हमारा पॉइंट है, हु फर्स्ट प्रूव्ड दैट अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स रोटेटिंग अराउंड द सन। उनका नाम बताइए जिन्होंने सबसे पहले प्रूव करा था कि भाई जो अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, उनका नाम बताइए। तो उनका करेक्ट आंसर क्या है भाई, उनका नाम क्या है, उनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, जिन लोगों को पता होगा, जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया होगा वही इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, जनरल नॉलेज बिल्कुल एक ओशियन की तरह है, डीपेस्ट ओशियन है, कितना भी आप पढ़ लोगे वही कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आया हूँ जिनसे आपकी थोड़ी बहुत हेल्प होगी। तो इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं कि भाई उस इंसान का नाम बताइए जिसने सबसे पहले प्रूव करा था कि जो अर्थ है और बाकी प्लैनेट्स हैं वो सन के यानी कि सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, ऐसा किसने सबसे पहले प्रूव करा था, तो उनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। अगला पॉइंट है हमारा, फिलामेंट ऑफ लाइट बल्ब इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। आपने बल्ब देखे होंगे भाई, अब तो सब जगह LED बल्ब चलते हैं, पहले जो बल्ब चलते थे ट्रांसपेरेंट करके येलो कलर की, उनमें से लाइट निकलती है, तो उसके बीच में एक तार रहता था। तो ये पूछना चाह रहा है वो जो फिलामेंट है, वो तार है, वो कौन से एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों टंगस्टन। ध्यान रखना TUNGSTEN, टंगस्टन वो एलिमेंट है जिससे वो फिलामेंट बना हुआ होता है। अगला हमारा पॉइंट है, विच लाइट हैज़ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। भाई दोनों क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे,
कौन सी लाइट है जिसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होती है और कौन सी लाइट है जिसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो अगर मैं शॉर्टेस्ट की बात करूं तब जाएगा दोस्तों हमारा क्या करेक्ट आंसर, वायलेट। और अगर मैं लॉन्गेस्ट की बात करूं तब कौन सी लाइट जाएगी, रेड। तो ध्यान रखना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है, वायलेट, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी है, रेड। अगला हमारा क्वेश्चन क्या बन रहा है भाई, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू। अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो हमारे जो आसमान है, स्काई है, उसका कलर हमें ब्लू ही क्यों दिखता है, किस फेनोमेना की वजह से हमें आसमान का कलर ब्लू दिखता है। आपके सामने मैं यहाँ पे चार ऑप्शन रख रहा हूँ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से, डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, या फिर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो इसलिए ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर जाएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से हमें आसमान का कलर ब्लू दिखाई देता है। इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना, अभी नहीं तो आगे किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। आगे अगर मैं बात करूं दोस्तों, कुछ बुक्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये वाली बुक किसने लिखी थी। तो सबसे पहले है भाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक है जिसको किसने लिखा था, उनका नाम है जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, हु रोट हिंद स्वराज बुक। हिंद स्वराज बुक किसने लिखी थी, उनका नाम है महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने बुक लिखी थी जिसका नाम क्या है, हिंद स्वराज बुक। ये कुछ फेमस बुक्स हैं जिन पे पहले क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, इसलिए इनको मैं बता रहा हूँ, वरना ऐसे तो हजारों लाखों किताबें हैं जिन पे क्वेश्चंस आए भी हुए होंगे, लेकिन ये थोड़ी बहुत ऐसी हमारी बुक्स हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्वेश्चन आ सकता है। अगली बुक का नाम क्या है भाई, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी, उनका नाम है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जी ने जो बुक लिखी थी उसका नाम क्या है, अनहैप्पी इंडिया। लास्ट में हमारी कौन सी है भाई, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर जो बुक है वो किसने लिखी थी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी, जिस बुक का नाम क्या था, विंग्स ऑफ फायर। ये हमारी कुछ बुक्स थी। आगे अब दोस्तों आपने ना नॉर्थ सेट में कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे जिन पे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आए हैं। वो क्वेश्चन कैसे थे भाई, हमारे पिछले टाइम पे महाभारत और रामायण के टाइम पे भाई क्वेश्चन ऐसा आता है कि भाई महाभारत किसने लिखी थी, रामायण किसने लिखी है, हमारा रामचरितमानस किसने लिखी है। तो इन पे भी क्वेश्चन बनते हैं और बने भी हैं कई बार, इसीलिए ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि भाई ऑथर ऑफ महाभारत, महाभारत किसने लिखी थी, वेद व्यास जी ने लिखी थी महाभारत, जो कि इसका करेक्ट आंसर जाएगा। वेद व्यास जी ने ही एक और चीज लिखी थी, इसलिए इन दोनों चीजों को साथ में ध्यान रखना भाई, हमारी भगवद गीता। भगवत गीता भी वेद व्यास जी ने ही लिखी थी और महाभारत भी वेद व्यास जी ने ही लिखी है, दोनों के करेक्ट आंसर वेद व्यास जी ही जाएंगे। अगला पॉइंट है, रामायण किसने लिखी थी, उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों वाल्मीकि। वाल्मीकि जी ने लिखी थी हमारी क्या, रामायण। अगला पॉइंट है, हनुमान चालीसा किसने लिखी है। हनुमान चालीसा को लिखने वाले जो हैं उनका नाम है दोस्तों तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने लिखी है हनुमान। अगला पॉइंट है हमारा भाई, रामचरितमानस किसने लिखी है, तो उसका भी करेक्ट आंसर क्या जाएगा, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने दो चीजें लिखी, हनुमान चालीसा और रामचरितमानस। ऐसे ही मैंने क्या बताया था, वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है और क्या लिखी है, भगवद गीता। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विच इज द फर्स्ट अवतार ऑफ गॉड विष्णुज दस अवतार। भाई विष्णु जी के दस अवतार में से जो पहला अवतार था उसका नाम क्या है, उसके लिए करेक्ट आंसर जाएगा मत्स्य। मत्स्य हम किसे कहते हैं, एक फिश को, एक मछली जैसा उन्होंने अवतार लिया था जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मत्स्य नाम से जानते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आगे अब बात करते हैं दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस की, जिसमें सबसे पहला आ रहा है कि भाई पिंक सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। तो इसका मैक्सिमम लोगों को आंसर पता होगा कि भाई पिंक सिटी के नाम से हम जयपुर को जानते हैं। राजस्थान का ये शहर है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन आता है कि भाई ब्लू सिटी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। इसका आंसर काफी कम बच्चों को पता होगा, और अगर जिनको पता है भाई अच्छी बात है, और जिनको नहीं पता वो भी इस को नोट कर लेना कि भाई ब्लू सिटी के नाम से जाने जाने वाला शहर कौन सा है, जोधपुर, जो कहां पड़ता है, ये भी राजस्थान में पड़ता है। तो जोधपुर जो है वो ब्लू सिटी है, और हमारा जयपुर जो है वो क्या है, पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। अगला हमारा दोस्तों इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि भाई इसरो का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसरो अभी भाई चंद्रयान 3 भेजा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ये ट्रेंड में है, तो इस पे से क्वेश्चन आने की उम्मीद बन सकती है कि भाई इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे स्थित है। तो उसका करेक्ट आंसर जाएगा दोस्तों बेंगलोर। बेंगलोर में है इसरो का हमारा हेडक्वार्टर।
आगे हमारा दोस्तों एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आ जाता है कि भाई जो हमारी एटमॉस्फेयर है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, तो भाग के सबसे ज्यादा बच्चे किस पे आंसर लगाते हैं, ऑक्सीजन पे, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा मात्रा में 78% नाइट्रोजन रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, 21% ऑक्सीजन रहती है, 0.9% रहती है आर्गन और 0.1% अदर गैसेस रहती हैं। तो इस चीज का भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा यानी कि 78% नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन और बचा हुआ 0.1% के अंदर हमारी अदर गैसेज आ जाती हैं, भाई कार्बन डाइऑक्साइड हो गई और भी बची कुछ जो भी गैसेज हो गई वो सब आ जाएंगे हमारी 0.1% में। आज की क्लास में दोस्तों हम इतना ही डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करने की कोशिश करी और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम स्पेशल टारगेट करेंगे अपने किसको, ओनली केजीएमयू को। क्यों? क्योंकि भाई केजीएमयू के लिए मैं एक स्पेशल क्लास बना रहा हूँ जिसकी तैयारी चल रही है, उसमें मैं ओनली यूपी की जनरल नॉलेज इकट्ठी करूँगा, यूपी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तो जो लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े हुए नहीं हैं चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।